कर लेते हैं, हमें तस्वीरें दिखाइए और जरा किसानों से पूछिए पेच कहां फंस रहा है। जी हाँ बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको सीधे यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए सुबह का वक्त है और जो है पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं किसान, लंगर की यहाँ पर तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोपहर के खाने की यहाँ पर तैयारी हो रही है, पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सीधे इनसे बातचीत करता हूँ। पेच कहाँ फंस रही है, पेच कहाँ फंस रही है, जो बातचीत हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, पेच कहाँ फंस रही है? ये क्या बात ये है कि किसान जो संघर्ष समिति जाती है ना, आगे हमारे जिम्मेवार जा रहे हैं उसको मालूम, हम तो रगड़ा लगा रहे हैं, हम तो लगे लगा रखे हैं, उसको मालूम है क्या बात है क्या नहीं बात। तो बात बात है, मैं और भी यहाँ पर कई किसान यहाँ पर कई किसान यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये बताइए पेच कहाँ फंस रही है। हाँ जी, पेच कहाँ फंस रही है, जो आप लोगों की बातचीत केंद्र सरकार के जरिए हो रहा है वहाँ पर अर्पिता, और कई किसान जो लगातार उस मीटिंग में शामिल होते हैं उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। पाजी पेच कहाँ फंस रही है, जो केंद्र सरकार से आप लोगों की लगातार बातचीत हो रही है? ठीक है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु खालसा जी, जो ये अंदोलन चल रहा किसानों का, सो जो सरकार ने 3 कानून जो बनाए ने ये बहुत घाटेदार ने, ये किसान नू बहुत ही लोस होना। सो किसानों का हुण एका लोग जाग चुके ने। तक यहां डटे रहेंगे आप लोग यहां पे कब तक? असी जितना तक चाहे 2 साल लग जाण, सानू 6 महीने का हर कोई कह रहा, असी 2 साल तक भी उरे पक्के डेरे लाए हुए ने, असी जाना नहीं, अपना हक लेके ही जाना, अपना हक लेके ही जाना। एक और तस्वीर अर्पिता मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से इस ठंड के मौसम में जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार ये और जो इनके जो रोजाना दिनचर्या यहाँ पर जो इनके नेता हैं वो लगातार वहाँ से बात कर रहे हैं। कई किसान हमारे साथ और भी हैं, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। ठीक है, हमें आप